हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में। कई बार महिलाओं के पीरियड मिस हो जाते हैं, उसके बाद जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट निगेटिव आता है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं, और खास तौर पर अगर वो उम्मीद लगाकर बैठी होती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट निगेटिव आता है तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। ऐसे में उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है या फिर कई बार आपके पीरियड भी लेट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव कब आता है और अगर आपके पीरियड डिले हो जाते हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट नेगेटिव आता है और इसी को हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। अब समझते हैं कि फॉल्स नेगेटिव क्यों आता है। तो फॉल्स नेगेटिव आने के कुछ कारण हो सकते हैं। हर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं कि आपको किट कैसे यूज करनी है, लेकिन महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट निगेटिव आता है जबकि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी होती है। तो चलिए बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी है। और इसमें सबसे पहली गलती होती है एक्सपायर्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना। कई बार महिलाएं अपने पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट को खरीद कर रख लेती हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े वो अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर ले, लेकिन हर प्रेगनेंसी टेस्ट किट की एक एक्सपायरी होती है। ऐसे में जब आप उसे इस्तेमाल करती हैं उससे पहले ये जरूर चेक कर लें कि टेस्ट किट एक्सपायर तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर टेस्ट किट एक्सपायर हो गई होगी तो ऐसे में आपको फॉल्स निगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं ये जानने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि वो समय से पहले ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। यानी कि कई बार महिलाएं जैसे ही पीरियड मिस होने वाले होते हैं उससे पहले या फिर उसके एक दो दिन के बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो ऐसे में उनको प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर रिजल्ट निगेटिव आता है, लेकिन वास्तव में वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको कम से कम पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना है ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। तीसरा कारण होता है बहुत देर के बाद अपना रिजल्ट देखना। कई बार महिलाएं अपने यूरिन का सैंपल डालने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट को रख देती हैं और इसको 15 से लेकर के 20 मिनट के बाद उठाकर देखती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में सिर्फ एक ही लाइन रह जाती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में सैंपल डालने के 5 से 6 मिनट के अंदर ही रिजल्ट को देखना है। अगर आप इससे ज्यादा देर तक किट को रखे रहने देंगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में से HCG का हार्मोन का रिएक्शन खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट निगेटिव आएगा। चौथा कारण हो सकता है जुड़वा या फिर 2 से ज्यादा बच्चे कंसीव करना। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपके शरीर में HCG के लेवल को चेक करती है और उसी के हिसाब से बताती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं, लेकिन अगर ऐसे में आपने जुड़वा या फिर 2 से ज्यादा बच्चे कंसीव कर लिए हैं तो उस कंडीशन में आपके शरीर में HCG का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है और आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो HCG का स्तर इतना ज्यादा हो जाता है कि किट को लगता है ये गलत है और इसी वजह से वो आपको निगेटिव प्रेगनेंसी दिखा देती है जबकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको फॉल्स नेगेटिव आए। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि आपको गलत रिजल्ट कब मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट निगेटिव आता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन की वजह से आपके पीरियड लेट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। अगर आपकी रिसेंटली ही डिलीवरी हुई है और आप अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पीरियड डिले हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये ना समझें कि आपको प्रेगनेंसी हुई है, हो सकता है कि आपके पीरियड डिले हो गए हों। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, जैसा कि आजकल की लाइफ स्टाइल हो गई है, ऐसे में अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप बाहर जाकर काम कर रही हैं तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और इस स्ट्रेस की वजह से आपको पीरियड लेट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से आपके पीरियड लेट हो जाते हैं
और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो ऐसे में आपको स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और आपके पीरियड लेट हो जाते हैं। यदि आपको कोई बीमारी चल रही है, आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो इस वजह से भी आपको पीरियड लेट हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत कम नींद आती है, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं, यानी कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर रही हैं जो पहले आपके साथ नहीं हुआ करते थे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पीरियड लेट हो जाते हैं, और ये एक नॉर्मल सी बात है। तो इन सभी कंडीशन में आपके पीरियड लेट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो फिर भी आपकी फॉल्स निगेटिव आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ दिन के बाद दोबारा से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में सही रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।